तो स्वागत दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आर्केडक निकल। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप किस प्रकार से अपने किसी भी रियलमी, श्योमी, ओप्पो, वीवो, जो भी आपके पास डिवाइस है दोस्तों, उसको बहुत ही आसानी से विदाउट पीसी, विदाउट TWRP रिकवरी, विदाउट मैजिक, विदाउट किंग रूट के रूट कर सकते दोस्तों। सबसे न्यू मेथड इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ, विद प्रूफ ये वीडियो होने वाला दोस्तों। सबसे पहले मैंने आपके डिवाइस को चेक करा दिया कि मेरा डिवाइस दोस्तों नॉन रूटेड एंड्रॉयड डिवाइस है, तो इसको दोस्तों मैं आपके सामने रूट करके दिखाने वाला। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपको अपने डिवाइस में गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको सर्च कर लेना है iRoot APK डाउनलोड। जी हाँ दोस्तों, iRoot APK जैसे यहां पर से गूगल में आप सर्च करेंगे, आपको कुछ इस प्रकार से वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। आपको क्या कर लेना है, सिंपली से दोस्तों मेलविडा की वेबसाइट फर्स्ट नंबर पर आपको देखने को मिल जाएगी, उस पर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेसिस में देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली से iRoot APK पे कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों अगेन आपको ग्रीन कलर के ऑप्शन में डाउनलोड का बटन देखने को मिल जाएगा, अगेन कर देना है क्लिक। क्लिक आप जैसे करेंगे दोस्तों आपके डिवाइस में जो iRoot का APK है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको शो करके भी दिखा देता हूं दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही जल्द हमारा ये डाउनलोडिंग भी स्टार्ट हो चुका है। तो देन दोस्तों आपको सिंपल से बैक आ जानी है। बैक आने के बाद दोस्तों अब आपको सिंपल से अपने डिवाइस का जो प्ले स्टोर होता है उसको कर लेना है ओपन। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद दोस्तों अगेन यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स पर चले आना है। सर्च वाले ऑप्शन में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है सिक्योर VPN। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप अपने डिवाइस iRoot के थ्रू रूट करना चाहेंगे तो आपको अच्छे खासे नेटवर्क की जरूरत पड़ने वाली है। वो नेटवर्क दोस्तों आपको इस सिक्योर VPN के थ्रू मिल जाने वाला है। तो इस VPN को दोस्तों आपको कर लेना है अपने डिवाइस में यहाँ पर से इंस्टॉल। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं सिक्योर VPN हमारे डिवाइस में दोस्तों सक्सेसफुल यहाँ पर से इंस्टॉलिंग प्रोसेस में जा चुका है। आपको भी दोस्तों इसी VPN एप्लीकेशन को कर लेना है अपने डिवाइस में यहाँ पर से इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों डायरेक्टली मैं कर लेता हूँ ओपन, देन एक्सेप्ट पे क्लिक कर देता हूँ। देन दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे डिवाइस में ये जो सिक्योर VPN एप्लीकेशन है वो हो चुका है यहाँ पर से सक्सेसफुली ओपन। ओपन होने के बाद दोस्तों ऐड आएगी, ऐड को आपको कट करना है। देन दोस्तों कनेक्ट पे कर देना है क्लिक। कनेक्ट पे जैसे क्लिक कराएंगे दोस्तों आपके डिवाइस में सक्सेसफुली VPN यहाँ पर से कनेक्टेड हो जाएगा, आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों ऊपर में आइकॉन कनेक्टेड करके। देन दोस्तों अब आपका काम आता है अपने डिवाइस में जो iRoot APK आपने डाउनलोड करी थी उसको इंस्टॉल करने का। सिंपल से दोस्तों फाइल मैनेजर में जाकर आपने जहां पर भी दोस्तों iRoot APK को डाउनलोड करा था अपने गूगल क्रोम से, उसको सिंपल से लोकेट कराकर इसको करा देना है इंस्टॉल पे क्लिक। क्लिक करके दोस्तों iRoot को आप जैसे ही इंस्टॉल करने के लिए जाएंगे, देन आपको कुछ इस प्रकार से गूगल प्ले प्रोटेक्ट की तरफ से वार्निंग आएगी। सिंपल से दोस्तों मोर डिटेल पे आपको क्लिक करना है। मोर डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इंस्टॉल एनीवी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उस पर कर देना है क्लिक। क्लिक आप जैसे ही करेंगे दोस्तों आपके डिवाइस में जो iRoot है वो सक्सेसफुल यहाँ पर से इंस्टॉल हो जाएगा। आपको मैं दिखा देता हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं सक्सेसफुली हमारे डिवाइस में जो iRoot एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं। आपको सिंपल से दोस्तों अब मैं इसको होम स्क्रीन पे ला लेता हूँ, देन इसको मैं करा लेता हूँ अपने डिवाइस में ओपन। आपको भी क्या करना है दोस्तों, सिंपल से अपने iRoot एप्लीकेशन को करा लेना है ओपन। ओपन कराने के बाद दोस्तों जितनी भी परमिशन है उस सबको आपको अलाउ एक्सेस दे देनी है। नेटवर्क और सेंसर की परमिशन अगर आपके डिवाइस में डिनाइड होगी उसको भी दोस्तों आपको अलाउ एक्सेस दे देनी है। देन दोस्तों कंटिन्यू के बटन पर कर देना है क्लिक। देन ओके कर देना है दोस्तों। ओके करने के बाद आई एग्री पे क्लिक कर देना है। आई एग्री पे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सिंपल से दोस्तों गेट रूट एक्सेस के बटन पे आपको कर देना है क्लिक। क्लिक आप जैसे करेंगे दोस्तों आपके डिवाइस में ये प्रोसेसिंग में चला जाएगा। अब दोस्तों मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, आपको दोस्तों कम से कम 2 से 3 मिनट यहाँ पर से इस रूटिंग प्रोसेस को वेट कर लेना है। आपको 2-3 मिनट दोस्तों इस राउंडिंग को पूरी तरीके से चला लेना है, प्रोसेस को चला लेना है। देन दोस्तों ऑटोमेटिकली आपका डिवाइस रूट हो जाने वाला है। यहाँ दोस्तों मैं आपको सिंपल से रूट चेकर अपना ओपन करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन रूट एक्सेस इज प्रॉपरली इंस्टॉल्ड Android 13 के डिवाइस में दोस्तों ये मेथड वर्क कर रहा है। तो आप भी दोस्तों जरूर ट्राई करिए। मैंने दोस्तों बहुत डिवाइसेस में ये मेथड ट्राई करके देखा। ये देखिए दोस्तों मेरा रूटिंग प्रोसेस ऑन है और जी हाँ दोस्तों यहाँ पर से मैं रूट चेकर चेक करूंगा तो मेरे डिवाइस में ये रूट भी शो कर रहा है। तो ये एक मेथड है दोस्तों, ट्रिक है जिसकी मदद से आप भी अपने किसी भी एंड्रॉइड को रूट कर सकते हैं। जरूर ट्राई करिए दोस्तों इस मेथड को। तो कैसा लगा वीडियो नीचे में कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भूलिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।